नमस्कार दोस्तों, नए साल 2020 में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जनवरी के पहले चार दिनों का राशिफल लेकर आया हूं, 1, 2, 3 और 4 तारीख का। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका दिन कैसा रहेगा। नवी राशि लेते हैं, सजिटेरियस यानी धनु राशि। 1 जनवरी को आप चिंतनशील रहेंगे। आप हालांकि समृद्धि की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको संभाल के आगे बढ़ने में मजा आएगा। आप बिना सोचे बिना विचारे कोई भी कार्य 1 जनवरी को नहीं करेंगे, कम से कम धन से संबंधित किसी कार्य को नहीं करेंगे। आपका चिंतनशील विचार आपको कई सारी उपलब्धियों के लिए तैयार करेगा। इसलिए यदि चिंतन आता है मन में, विचार आते हैं, ख्याल आता है, तो उन ख्यालों में चीज़ों को खोजने की कोशिश करें, चिंतन करने की कोशिश करें, थिंक करने की कोशिश करें। आपकी थिंकिंग ही आपको सफल बनाएगी और ये थिंकिंग 2 जनवरी तक स्प्रेड हो रही है। तो 2 जनवरी के दिन इन्वेस्टमेंट से लेकर के व्यापार से भी जुड़े हुए कोई गंभीर निर्णय आप ले सकते हैं अथवा अपने व्यापार में और इन्वेस्टमेंट में क्या नया करना है या क्या हटाना है, एक स्थान से और दूसरे स्थान पर डालना है, इस बारे में भी आप निर्णय ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको दिखावा कर रहा है कि वो आपका हितैषी है, तो उस व्यक्ति को आप 2 तारीख को पकड़ पाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि कौन दिखावा कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। 3 जनवरी अच्छा दिन नहीं है। इस दिन तूतू मैमे से बचें। अपने विचारों को बिना वजह बिना जरूरत के प्रकट करने से बचें। आप अगर शांत रहेंगे तो 3 जनवरी के दिन किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आपकी वाणी से ही सारी समस्याएं शुरू होंगी। अगर झगड़ा शुरू हो जाए और आप उसमें फंस जाएं, तो वहां से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हट जाने का प्रयास करें, ताकि उस झगड़े को समाप्त किया जा सके जिसमें आपका हित नहीं है। 4 जनवरी के दिन आपको थोड़ा सा संतुलन स्थापित करना होगा। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी भी, लेकिन समाज में जो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी वो उस समय बढ़ेगी जब आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा संतुलन बैठा पाएंगे। आप हालांकि एक संतुलित व्यक्ति हैं, लेकिन कई बार आप अपनी पर्सनल चीज़ों को प्रोफेशनल में लेकर चले जाते हैं और पर्सनल लाइफ में बड़े प्रोफेशनल हो जाते हैं। आपका प्रोफेशनल रवैया पर्सनल लोगों को अच्छा नहीं लगता, व्यक्तिगत जो जिनसे आपका संबंध है उन्हें अच्छा नहीं लगता, और बिल्कुल ऐसे ही जो लोग प्रोफेशनल हैं उन्हें आपका व्यक्तिगत रवैया व्यक्तिगत संबंध अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर थोड़ा सेग्रीगेशन करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए 4 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख यानी 1, 2 और 4 बढ़िया है, 3 तारीख अच्छी नहीं है, और बिल्कुल ऐसे ही व्यापार के लिए भी 3 जनवरी अच्छा नहीं है, बाकी 3 दिन बढ़िया है। तो दोस्तों, यह था दैनिक राशिफल 1, 2, 3 और 4 जनवरी के लिए। मेरा प्रोग्राम आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, नमस्कार।